हेलो नमस्कार सलाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। और आपको सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल बहुत अच्छे से शुरू हुआ, दीपिका पादुकोण की नाक कटने से बच गई लेकिन पद्मावती का नाम कट गया। और एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे भी बोल देते हैं, जितना भी रिपब्लिक बचा हुआ है, जब तक बचा हुआ है इसको एंजॉय करो। आज का पहला मुद्दा भारत एक मौज में है आधार। वो हिंदुस्तानी कल्चर में होता है ना कि जब जिसके घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि उसका जो बच्चा है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, उससे बेहतरीन कोई है ही नहीं दुनिया में, जबकि पूरे मोहल्ले को ये पता होता है कि इस बच्चे में कोई पोटेंशियल नहीं, लेकिन माँ बाप उसको सिर पे चढ़ा के बैठ जाते हैं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अभी कुछ फेशियल रिकॉग्निशन का आ गया है। अब आपको फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में एक बार बता दूं कि गूगल का भी एक सॉफ्टवेयर था फेशियल रिकॉग्निशन का, जिसमें आप अगर भैंस की फ़ोटो डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये भैंस है, गाय की डालेंगे तो बता देगा ये गाय है, और इंडिया में तो भैंस की भी गाय की बता सकता है। और उसमें अगर आप किसी ब्लैक की शक्ल डालते थे, ब्लैक इंसान की, तो गूगल उसका जवाब देता था गोरिल्ला। इतना प्रॉब्लमेटिक है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो अब हिंदुस्तान में भी यूज़ हो। बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला हुआ है रीमेक्स बनाने का, कि पुरानी सक्सेसफुल फिल्मों को दोबारा से बनाते हैं, पता नहीं क्यों अच्छी अच्छी फिल्मों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। मैं सोच रहा था कि ये आधार की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ फिल्मों का रीमेक बनने में। मान लीजिए दीवार फिल्म का रीमेक बन रहा है, डायलॉग चेंज करने पड़ेंगे। अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? और वो बहुत सेंटिमेंटल बोलता है मेरे पास आधार है। शोले ही देख रहे हैं आप, शोले में ठाकुर का और गब्बर का जब कन्फ्रंटेशन होगा, ठाकुर साहब गब्बर को मारने जाते हैं और गब्बर सिंह बोल देता है तू क्या मुझे मारेगा ठाकुर, तू तो मैंने पहले मेरा आधार कर दिया था, तेरे पास तो आधार भी नहीं, जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंटिंग तो कर ही नहीं सकते। एंड देन ठाकुर कम्स अप विद द लाइन, तेरे लिए मेरा रेटिना ही काफ़ी है गब्बर, क्योंकि अब रेटिना भी आ गया। तो जब तक ये आधार का बच्चा बड़ा नहीं होता है और अपना पोटेंशियल दिखाता नहीं है, तब तक ये धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आप सुनते रहें कि अपने फ़ोन को आधार से लिंक कराएं, अपने बैंक को आधार से लिंक कराएं। जब आप अपार्टमेंट्स में घुसते हो, किसी के अपार्टमेंट में किसी दोस्त से मिलने गए हो, तो गेट पे ना एक चौकीदार बैठा होता है बेचारा, जो 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा होता है, हैं, जिसको वो छुट्टी भी नहीं देते हैं, जिसने शायद रात को ढंग से सोया भी नहीं है, वो रजिस्टर लेके बैठा होता है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, अपना नाम लिख दें, अपना एड्रेस लिख दें, अपना टेलीफोन नंबर लिख दें। अब आप मेरे को एक बार बताओ, अगर आपने वहाँ पर कुछ कांड ही करना है तो क्या आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देके जाओगे क्या वहाँ पर, कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नंबर है, मैं फलां घर में चोरी करने जाऊँ? तो ये उस किस्म का एक जमावाड़ा इकट्ठा हो रखा है। बाकी जैसे कि मैं कह रहा था कि फ़ोन कॉल्स आते रहेंगे, कि आप लिंक कर लीजिए बैंक अकाउंट को और अपने फ़ोन नंबर को और गोता लगा दीजिए इस आधार नूमी दरिया। ये बड़ी मज़ेदार खबर है। पिछले दिनों क्या हुआ दिल्ली में, एक साहब को इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ के जाना था इंदौर, वो समय से पहुँचे, फ़्लाइट में बैठे, लेकिन वो फ़्लाइट पहुँच गई नागपुर। मेरे ख्याल से उनसे गलती हो गई थी कि वो गलत फ्लाइट में बैठ गए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि खाली उन्हीं से गलती नहीं हुई है, आजकल तो पूरा देश ही नागपुर की फ़्लाइट में बैठ रहा है। ऑल रोड्स लीड टू नागपुर। तो ये थी आज की मौजें दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी मौजें ढूंढ ढूंढ के हम आपके पास लाते रहेंगे इस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूँ संजय राजौरा और ऐसी कुछ मौजों के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे।